तो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अंदर पबजी मोबाइल वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हाउ टू इंक्रीज योर केडी। समझ रहा हूँ मैं, आप लोगों को दिखाने का है, फ्लेक्स करने का है अपने फ्रेंड्स को अपने केडी। बट मैंने एक वीडियो बना रखी, केडी जस्ट अ नंबर, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम लोग कि केडी कैसे बढ़ा। देखो पहली बात तो केडी डजंट मैटर, ठीक है। अगर आपको फिर भी एक है कि यार मेरे को केडी तो बढ़ाने का, एक नया केडी अपडेट आया हुआ है उसके बारे में पहले आपको मैं बता देता हूँ क्या सीन है उसका। तो क्या है इस केडी सिस्टम के बारे में कि अगर आप 10 स्किल करते हो दो मैच में, ठीक है, 10 स्किल्स कर दिए आपने दो मैच में, एंड अब आप बोलोगे और दोनों मैच चिकन डिनर लिया, ठीक है। अगर आपने 10 स्किल्स के दोनों मैच में, मतलब 5-5 स्किल के दोनों मैच में, दोनों मैच चिकन डिनर लिया, तो आपका केडी कितना रहना चाहिए? अगर आप बोलो तो 10 का, ऑब्वियसली कि आप लोग दोनों में चिकन डिनर लिया था, कोई इसमें माइनस नहीं हो, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। 10 का केडी आपका नहीं रहेगा, आपका केडी रहेगा ओनली 5 का, क्योंकि ये नया रूल है। द रूल इज दैट नंबर ऑफ किल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। अगर आपने खेले हैं 10 मैचेस, ठीक है, और आपने किल्स किए हैं 50, उसमें से आपने 5-6 मैच में चिकन डिनर भी लिया है, स्टिल दे नॉट गोना काउंट चिकन डिनर, से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीन क्या है कि अगर आपने, मान लो मैं बता रहा था जैसे कि आपने 50 किल किए 10 मैच में, तो आपका केडी रहेगा 5 का, क्योंकि 50/10 इज इक्वल टू 5। आई डोंट नो मेरी मैच ठीक है कि नहीं, बट 5 ही होना चाहिए, ठीक है। तो 5 का केडी रेशियो रहेगा। लेकिन अगर हम पुराने केडी रेशियो के हिसाब से देखें, और मान लो आपने सारे के सारे मैच में चिकन डिनर किया, 10 के 10 मैचों में चिकन डिनर किया और 50 किल किए, तो उसके हिसाब से आपको केडी 50 का होना चाहिए। बट न्यू केडी रूल के हिसाब से आपको केडी 5 का, नंबर ऑफ किल्स अपॉन नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, ये याद रख लो। उसके बाद अपना किल्स और वैसा के चेकआउट कर लो तो आपको पता चल जाएगा। ये मेरा अकाउंट है एंड यहाँ पर आप लोग आ जाइए, आईडी नोट कर लो और पॉपुलैरिटी नहीं कुछ नहीं। तो देखो 37 किल्स एंड 6 मैचेस प्लेड, तो 37/6 6.17 बनता है। ये पुराने स्टैट्स के हिसाब से अगर आप चिकन करते हो तो आपको केडी बढ़ता है, ठीक है। तो ये सीन था, ये सब पुराने स्टैट्स है। नया जो आया है वो यही है कि नंबर ऑफ किल्स अपॉन नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, 37/6 इज इक्वल टू 6.17। चिकन लो ना लो, भाड़ में जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ आपको किल्स चाहिए। तो अब बात आती है आपको केडी कैसे बढ़ाना, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो आपका मैप है, ठीक है, मैं मान लो इरेंगल मैप लेता हूँ। इरेंगल मैप में आपकी मान लो तीन जगह तरह की लोकेशंस होती है। एक होती है आपकी हॉट ड्रॉप, जहाँ पे मतलब प्लेन पास जहाँ से जा रहा था वहाँ पे जो सबसे मेन लोकेशन होती है, जैसे कि अगर जॉर्जिया से प्लेन जा रहा था तो जॉर्जिया हो गया हॉट ड्रॉप। दूसरा हो गया आपका जैसे कि उसके बाद नोवो मिलिट्री, ये सब हॉट ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, अगर वहाँ से प्लेन पास जा रहे हैं तो एक तो हॉट ड्रॉप हो गया। दूसरा हो गया एक नॉर्मल लोकेशन जहाँ पे एक स्क्वाड आ जाती है, वहाँ पे आप एक स्क्वाड आ गई, कभी आ गई फाइट ले लिया, कभी कभी दो आ सकती है मैक्स। हॉट ड्रॉप में तो ऐसे होता है कि 2-3-4-5 कितनी भी आ सकती है। और थर्ड लोकेशन जैसे होगी बहुत ही जो मतलब अनकॉमन लोकेशन होते हैं जहाँ पे बंदे जाते नहीं, जैसे कि क्वेरी साइड हो गया, वैसे वहाँ वो साइड जहाँ पे घर वगैरह कम है, जो वहाँ पे बंदे कम आना चाहते हैं या फिर कुछ भी, तो वैसी लोकेशन थर्ड होती है। तो सबसे पहले चीज़ अवॉइड दैट थर्ड लोकेशन, जैसे क्वेरी फार्म, यहाँ पे जो बंदे होते हैं ना सिर्फ रैंक पुशर्स वगैरह ही जाते हैं ज़्यादातर। तो अगर आप रैंक पुशिंग करो तो केडी के बारे में छोड़ दो, केडी को मत देखो। लेकिन अगर आपको केडी बढ़ाने का है तो डोंट गो फॉर द रैंक पुशिंग लोकेशन, जहाँ पे जैसे कि बहुत 2-3 घर है वहाँ आप जाके बैठ गए या कुछ भी, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। चिकन डिनर अगर आप सोच रहे हो कर लोगे साहब बन के, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये न्यू केडी रूल बनाए इसलिए कि जो बंदे कैंप वैम करते हो वो भी थोड़ा एग्रेसिव खेलने लग जाए, ताकि उनका जो केडी है वो सोचते हैं कि चिकन डिनर करके बढ़ जाएगा, वो अब नहीं बढ़ने वाला। तो बात ऐसी है कि आपको खेलना है तो सिर्फ रश गेम प्ले खेलना है, लेकिन सबसे पहले आपकी लोकेशन जो ड्रॉप लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो आई सजेस्ट यू, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि अगर आप संभाल सकते हो हॉट ड्रॉप लोकेशंस, तो गो फॉर द हॉट ड्रॉप, क्योंकि वहीं से आपके 5-6-7 किल निकल जाते हैं। वहाँ पे अगर आप लैंड करते हो तो 5-6-7 किल वहीं निकलते हैं जहाँ हॉट ड्रॉप करते हो आप। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि 5-6 किल्स करके वहाँ निकाल सकते हो तभी कूदो, क्योंकि कभी कभी होता है अगर आपके पास अगर आपको स्किल्स भी हैं तो गन नहीं मिलती है, कुछ भी होता है, तो वो एक दिक्कत हो जाती है हॉट ड्रॉप लोकेशन में। तो अगर आपको एक सेफर साइड पे भी रहना है कि आपको किल्स भी चाहिए और आप मरो भी ना, तो यू विल गो टू द लोकेशंस लाइक स्कूल, रोजॉक, जहाँ पे एक स्क्वाड आती है, एंड वहाँ पे आप लोग जाओ लूटो, एक स्क्वाड मारी, फिर रश करना स्टार्ट कर दो, गाड़ी निकालो, रश करो दूसरे पे, क्योंकि यही करना है, किल्स चाहिए केडी के लिए। और मैं पहले बोलता हूँ केडी के लिए मत खेलो, स्किल्स के लिए खेलो। अगर स्किल्स के लिए खेलोगे तो केडी अपने आप ही बढ़ जाएगा, स्किल्स बढ़ाओ केडी बढ़ेगा। अब बात आती है कि रश खेलोगे तो किल्स मिलेंगे, खेलो रश। आपको करना क्या है कि पहले लोकेशन जो मैंने बोले हॉट ड्रॉप कर रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आप संभाल सको, वरना केडी गिरेगा। और कभी कभी होता है कि हॉट ड्रॉप पे गन नहीं मिलता तो दैट्स अ बैड थिंग, तो उसके लिए वो संभाल के रहना पड़ेगा।
इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको थोड़ा सा रहना है कि आप बच भी जाओ तो एक सेफर साइड होती है कि आप स्कूल रिजॉर्ट इन सब साइड पे कूदो, एक स्क्वाड मिलती है, फिर गाड़ी निकाल के जल्दी से रोटेट मारो, आपको झापी मारना है। उसके बाद आता है आपका स्किल्स मैटर करते हैं, स्किल्स मैटर करेंगे तभी आप रश करके मार पाओगे, आपको गेम सेंस होना चाहिए। तो मैं पहले बोलता हूँ गेम को केडी के लिए मत खेलो, लेकिन अगर आपका केडी भी दो तीन चल रहा था दैट्स रियली गुड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत खराब है, जैसे कि आप पिछले सीजन में आपका केडी पाँच है तो इसमें दो तीन हो गए तो दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो केडी के लिए खेलो मत, केडी से किसी के स्किल्स नहीं पता चलते, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको केडी बढ़ाने का है तो कर सकते हो। एंड अब किल्स के लिए आपको खेलना है, आपको गेम सेंस बढ़ाना है, आपके पास होना चाहिए कि आपको रोटेट कहाँ से मारना है, किल्स कहाँ मिलेंगे आपको सब पता होना चाहिए। जैसे कि आप मैप देखो कि प्लेन पाथ कहाँ से जा रहा है, ठीक है, आपने प्लेन पाथ चेक कर लिया कि प्लेन पाथ कहाँ से गया, प्लेन पाथ चेक करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर बंदे कहाँ कहाँ कूद सकते हैं, कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे कि पूरे रैंगल में आपको बताता हूँ, पोचिंग की स्कूल नोवो जॉर्जो मिलिट्री यहाँ पे कॉमन चीज़ें हैं, एंड स्कूल की अपार्टमेंट जो होते हैं यहाँ पे घूमोगे तो बंदे मिलेंगे, दो तीन स्क्वाड आराम से आपको मिलती है इन जगहों पे। तो यहाँ पे कूदो, अलग अलग मैप की अलग अलग चीज़ें, वो सब आप लोग देखो, ठीक है। और केडी बढ़ाने का क्या है, ठीक है, केडी बढ़ाने के लिए आपको देखो अगर आपके स्क्वाड मेंबर्स के आप स्किल्स ले लेते हैं, ऑब्वियसली बात है स्क्वाड मेंबर्स स्किल्स लेते हैं, तो अगर आपको स्क्वाड में केडी बढ़ानी है तो ट्राई करो कि आप सोलो स्क्वाड ही खेल लो, जाके दो तीन किल तो आराम से निकाल सकते हो। अगर थोड़े भी स्किल्स स्किल्स प्रैक्टिस करो, दो तीन किल, चार किल, पाँच किल निकाल लोगे, दो बॉट मिल गए, कुछ कर लिया, दो तीन किल कर लिए, उसके बाद क्या दिक्कत है। देखो स्क्वाड में खेलते हो किल्स जाते हैं, चार बंदे होते हैं तो किसी का भी लास्ट गोली लग सकती है, तो वो होता है। तो क्या होता है कि आपके पास पाँच छः किल हो रहे हैं, पाँच छः किल हो सकते थे आई मीन, बट हुए आपके सिर्फ एक, क्योंकि सारे चले गए भाई। तो ये होता है कि अगर आप सोलो स्क्वाड खेलते हो या डुओ खेलते हो, एक बैकअप मेंबर रखते हो, तो आपके नाम से पाँच छः सात किल तो हो सकते हैं ना। तो ट्राई कर लो कि आप डुओ खेल लो, सोलो खेल लो, स्क्वाड खेलोगे तो किल्स मिलने कम चांसेस रहते हैं, बट ये होता है कि आप बचे रहोगे तो किल्स निकाल सकते हो आगे के लिए। या तो डुओ में अगर आप पूरी स्क्वाड पुश कर गए और अच्छी स्क्वाड हुई तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप सोलो खेल रहे हो तो देख लो, डुओ खेल लो, डुओ वर्सेस स्क्वाड खेलो, अच्छा केडी बढ़ने के चांसेस रहे। तो ये सब है, आप ट्राई करो, आप देखो आपको किल्स के लिए खेलना है अपने केडी बढ़ाने के लिए, नॉट फॉर द चिकन डिनर। दैट्स ऑल आई वांट, नंबर ऑफ किल्स अपॉन टोटल मैचेस प्लेड, यही है ब्रो, यही है जो है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे मैसेज कर दो कोई भी डाउट वगैरह। तो मिलता हूं आपसे कौन नई वीडियो के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बॉयज कमेंट करो कैसी लगी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहो वी प्लेस, पीस।